भारत सरकार ने देश के अगले फॉरेन सेक्रेटरी के नाम की घोषणा कर दी है। डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिश्री भारत के अगले विदेश सचिव होंगे। विक्रम मिश्री 15 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल विदेश सचिव के पद पर विनय मोहन क्वात्रा हैं, जिन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द सांची और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा। आज के इस वीडियो में जानेंगे विक्रम मिश्री के बारे में। विक्रम मिश्री 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं और 3 साल 2019 से 2021 तक ये चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। ये जिस समय में चीन के राजदूत थे, भारत और चीन के रिश्ते एक नाजुक दौर से गुजर रहे थे। इन्हें चीन के साथ एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना के साथ भारत के रिश्तों को लेकर गहरी समझ इन्हें इस पोस्ट के लिए सबसे बेहतर चुनाव बनाती है। इसके अलावा ये म्यांमार और स्पेन में भी भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। इन सब के इतर एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट मिशंस के लिए भी इन्होंने काम किया है। वर्तमान में डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पदभार इन्होंने 1 जनवरी 2022 को संभाला था। यहाँ ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को रिपोर्ट कर रहे थे। वहीं भारत के फ्रांस में राजदूत जावेद अशरफ इनकी जगह पर ये पदभार संभाल सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के अलावा विक्रम मिश्री देश के 3 प्रधानमंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सबसे पहले ये देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक निजी सचिव रहे। उसके बाद मनमोहन सिंह के साल 2012 से 2014 तक और मई 2014 से जुलाई 2014 तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। विक्रम मिश्री का जन्म 7 नवंबर 1964 को श्रीनगर में हुआ था। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने MBA की डिग्री ली, जिसके बाद 3 सालों तक एडवर्टाइजिंग और एड फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में काम करने के बाद इन्होंने सिविल सेवा की ओर रुख किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।